सभी किसान भाइयों को भारत एग्री से एग्री डॉक्टर गजेंद्र पटेल का नमस्कार। किसान भाइयों, आज भारत एग्री के स्मार्ट खेती अपडेट में हम जानेंगे मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले सफेद मक्खी कीट की पहचान एवं इसके नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च उत्पादक किसान भाइयों के लिए आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं मिर्च की फसल इस समय पर वृद्धि विकास के साथ तापीय अवस्था है, साथ ही इसमें अधिक मात्रा में फूल और फल लग रहे हैं। किसान भाइयों, इस समय पर काफी किसान भाइयों से कंप्लेंट आ रही है कि मिर्च की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप हो रहा है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में लगने वाला सफेद मक्खी कीट मिर्च की फसल का प्रमुख कीट होता है। यह कीट इसका शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही मिर्च की फसल की पत्तियों की निचली सतह पर बैठ कर रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती है, मुरझा जाती है और सिकुड़ जाती है। साथ ही किसान भाइयों, यह एक मधु स्राव करता है, जिसकी वजह से पत्तियों पर काली फफूंद जम जाती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से पत्तियां काली पड़ के नीचे गिर जाती हैं और उत्पादन के ऊपर काफी गंभीर प्रभाव देखा जाता है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में लगने वाली सफेद मक्खी यह एक वेक्टर का काम करती है, इसके द्वारा मिर्च की फसल में चिली लीफ प्लांट वायरस, जिसे हम चुड़रा मुड़रा बोलते हैं, यह फैलाने का काम करती है। इसके लिए किसान भाइयों, इसे समय रहते नियंत्रित कर लेना बहुत ही जरूरी होता है। आइए जानते हैं इसे नियंत्रित करने के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए निम्न उपाय अपनाए जाने चाहिए। इसके लिए प्रति एकड़ 5 से 10 पीले स्टिकी ट्रैप स्थापित करने चाहिए और इन ट्रैपों की रोजाना निगरानी करनी चाहिए। यदि इसमें 5 से 7 मक्खियां हमें चिपकी हुई नजर आए तो रासायनिक दवाओं का स्प्रे कर इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही खेत की मेड़ के चारों किनारे मक्का और ज्वार की फसल लगाई जानी चाहिए, जिससे बाहर से आने वाले कीट हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और सफेद मक्खी इन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा किसान भाइयों, हमारी फसलों को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए, जिससे हमारी फसलों को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिल सके और रोग और कीटों का प्रकोप ना हो। रासायनिक नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, पायरीप्रोक्सीफेन 5% प्लस फेनप्रोपेथ्रिन 15% दवा 200 से 300 ml 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा फेनप्रोपेथ्रिन दवा 30% EC, ये दवा 100 से 136 ml 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, पायरीप्रोक्सीफेन 10% EC दवा 200 ml 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सफेद मक्खी के ऊपर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, इन दवाओं को अदल बदल कर प्रयोग करें, किसी भी दवा का लगातार प्रयोग ना करें। प्रिय किसान भाइयों, दी गई जानकारी यदि आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ शेयर करें और भारत एग्री की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही किसान भाइयों, भारत एग्री के ऐप को इंस्टॉल करें, यदि इंस्टॉल किया है तो उसे अपडेट करें और भारत एग्री की सुपर सेवा का लाभ लें। धन्यवाद।